बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कुशीनगर से मिल रही है, जहां पर बच्चों से भरी स्कूल बस पलट गई है और बस में तकरीबन 20 बच्चे सवार थे। तो इलाज के लिए सभी बच्चों को अस्पताल भेजा गया है, एक बच्चा गोरखपुर के लिए रेफर किया गया है। तो बस ड्राइवर की लापरवाही यहां पर बताई जा रही है और इसी लापरवाही के चलते ये हादसा हो गया है। तो बड़ी खबर कुशीनगर से है, जहां पर एक बस स्कूल बस जो कि एक हादसे का शिकार हो गई है। बताया जा रहा है कि बच्चों से भरी स्कूल बस और पलट गई लापरवाही के चलते, बस ड्राइवर की लापरवाही के चलते, जिसके चलते 20 बच्चे जो सवार थे वो सभी फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अचानक ये बस पलट जाती है और उसके बाद जो बच्चे थे इसमें, 20 बच्चे सवार थे, वो सभी के सभी घायल हैं, अस्पताल भेजा गया है। और फिलहाल एक बच्चे की जिसकी स्थिति थोड़ी गंभीर, उसे गोरखपुर के लिए रेफर किया गया है। तो लगातार आपको बता दें कि जिस तरह से स्कूलों पर यहां कई नियम होते हैं और लगातार इस तरह के हादसे भी सामने आते हैं कि बस चालक की लापरवाही के चलते कई बच्चों की मौत हो जाती है, कई घायल हो जाते हैं। और ऐसे में सवाल यही उठते हैं कि क्या ये जो बसेस हैं, स्कूल बसेस हैं, क्या ये नियम कायदों के तहत चलते हैं? और अक्सर जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं तो नियम और कायदे दरकिनार कर दिए जाते हैं। और एक हादसा कुशीनगर का फिलहाल, जहां पर स्कूल बस पलट गई है, लापरवाही इसमें बस ड्राइवर की बताई जा रही है। तो कुशीनगर का मामला है, आज सुबह का यह वाक्या, जब एक स्कूल बस अचानक पलट गई बस ड्राइवर की लापरवाही के चलते और 20 बच्चे जो इसमें सवार थे वो सभी घायल बताए जा रहे हैं। सभी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन फिलहाल एक बच्चा जिसकी स्थिति गंभीर, उसको गोरखपुर के लिए रेफर किया गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें R9 टीवी आपको यहां पर दिखा रहा है, कुशीनगर में हादसा जो बच्चों की स्कूल बस के साथ यहां पर हुआ है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो कुछ बच्चे हैं उनको बाहर भी वक्त पर यहां पर निकाला गया।